नमस्कार। सॉरी, मैं बिजी चल रहा था, जानते हैं कॉस्टली स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये वीडियो में बनाने से मैं आपको रोक नहीं पाया। और ये है राजस्थान 2023 का वेबसाइट, RajUGNEET2023.com। आप जानते हैं ये हर साल इनका राज नीट यूजी हुआ करता था, पर इस बार यूजी नीट 2023 करती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं लेफ्ट में आपको दिख रही हैं, काम की चीज़ें, और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एप्लीकेशन पार्ट हम जानते हैं ना, और ये खोलेगा आपके भ्रम, जो आप पिछले 1-1.5 महीने से फ़ोन सुन रहे होंगे फ्रॉड एजेंट्स के, और जो मुझसे बात कर पाते हैं मैं उनको हमेशा समझाता था। देखिए, मैं राजस्थान गया था, मैं कॉलेजेस देखे, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं उदयपुर घूमने गया था अपनी फैमिली के साथ, और मुझे शौक है, अपना काम का पैशन है, तो एज पार्ट ऑफ हॉलीडे मैं उन 5 कॉलेजों में चला गया जो उदयपुर के थे। पर मैं कभी मैनेजमेंट से बात नहीं करता, मैं हमेशा स्टूडेंट से, सिक्योरिटी गार्ड से, पेशेंट से बात करता हूँ, और सिमिलरली जयपुर में JNU या NIMS में या MGM में। लेकिन फिर भी चूंकि ना मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आते थे कि जी राजस्थान में तो पहले फीस ट्रांसफ़र करा दी जाएगी और काम हो जाएगा, तो ये सोच के मैंने घुसा मैं अंदर, मैंने लोगों से बात की, तो पता चला कि सर बच्चे की सीट भिजवा दो, और अगर काउंसलिंग में सीट बच रही होगी तो उसको दे देंगे। तो मैंने कहा गारंटी क्या बच्चे की सीट का, तो कोई गारंटी नहीं है। तो आप मेरी बात समझिए, राजस्थान के कॉलेज, जी हाँ कॉलेज, और ये एजेंट, ये मिल के एक नेक्सस चलाते हैं। उस नेक्सस का पर्पस, कॉलेज वाला कभी आपसे फालतू पैसे नहीं मांगता, वो आपसे सिर्फ फीस के पैसे मांगेगा, और एजेंट आपसे अपने 3-4 लाख रुपए सर्विस चार्ज मांगेगा, जबकि कोई कुछ नहीं कर रहा। अल्टीमेटली आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और आप अपने आप सीट मिलेगी, और अगर नहीं मिलती अब पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद, तो आपकी फीस वापस कर दी जाती है। जी हाँ, लेकिन ये बताओ साल किसका खराब हुआ? वो एजेंट भी आपको 5 लाख वापस कर देगा, कॉलेज वाले अपनी पूरी फीस ट्रांसफर कर देंगे। सो अल्टीमेटली कॉलेज का क्या मकसद था ये सब करवाने का, कि वो अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं। सब समझिए आप, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज की विचित्र समस्या है, वो जितना मर्जी अच्छा कॉलेज हो उसको ये तो टेंशन रहती है ना कि मेरी सीट खाली ना रह जाए। अमृता फरीदाबाद जैसा कॉलेज अपने कॉलेज में बुला बुला के विजिट करवा रहा है बच्चों की, कि भैया आके हमारे कॉलेज में नज़र मार के जाइए। क्यों? क्योंकि तो उनको भी लगता है पहला सारा पता नहीं सीट भरे ना भरे। तो ये डिफरेंट वजहें होती हैं, राइट। तो फिर ना ब्रोशर से मैं, अब ये लास्ट ईयर का ब्रोशर में लोगों को बताता था जो मेरे पास आते थे, ब्रोशर को देख के आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये सीटें हैं, तो सबसे पहले बेवकूफ बनाया जाता है आपको, हम आपको ये वाली सीट दिला देंगे, ये फीस ना 8 लाख रुपए होती है। अब देखिए अभी तक राजस्थान में इस साल का फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं हुआ है, हम वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, पर मैंने आपके लिए ना ये लास्ट ईयर का खोला है, और ये देखिए ये जो था ना ये बिल्कुल 2022 इसी वेबसाइट पे आएगा आज या कल में, ठीक है? अभी जो ब्लैंक है ना इसमें फीस फी का डिटेल आ जाएगी, पर फिलहाल नहीं है। तो ये ब्रोशर इस साल का है, ये फीस लास्ट ईयर की है, और ये भी इस साल का है कि कैसे फॉर्म भरना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो सरकारी कॉलेज है ना राजस्थान में, इन्होंने क्या करा था, राजस्थान सरकार भी होशियार है, तो ये जो पुराने कॉलेज हुआ करते थे, ये हैं 6 जो असली पुराने कॉलेज हैं, प्योर गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, फेमस SMS जयपुर वाला, जोधपुर का, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और कोटा, जो 6 हम कहते हैं ना पुराने बने हुए, इनमें भी 3 कॉलेजों में NRI सीट है, और हम जानते हैं कि राजस्थान का NRI सरकारी ओपन है, आप चाहे तो सीट ले सकते हैं। अब इन 6 कॉलेजों को अगर आप यहाँ पर देखोगे फीस स्ट्रक्चर में, तो अगर आपको GMC कोटा नजर आएगा, तो आपको नजर आएगा कि भाई जो पुराने हैं, तो GMC कोटा में आपको कैसे आएगा ना, देखिए स्टेट वाला जो फ्री के भाव होता है 60,000 की फीस, और NRI जो कि 30-33 लाख है, प्रैक्टिकली ये साल का 30 लाख रुपए पड़ता है, और ये आपको 4.5 साल देनी है, राइट। सो आपकी जेब से हॉस्टल मिला के वो 1.5 करोड़ रुपया जाता है, क्योंकि तो ये 82 रुपए का चल रहा है ना डॉलर आजकल, क्लियर। तो इसमें दो तरह की सीटें हैं, तो ये जो NRI है ये ऑल इंडिया ओपन है, पांचों प्रायोरिटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आ जाओ वापस, ये 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 3 महीना रही। अब राजस्थान ने क्या किया था, बींग स्मार्ट गवर्नमेंट, उनको लगा कि भाई यार 60,000 की फीस लेके तो कॉलेज चलाना बड़ा मुश्किल है, तो फिर ये जितने कॉलेज बने थे ना पिछले 5-7 साल में, 8 साल में, इनमें ना दो तीन तरह की सीटें लाई गई, NRI सीटें भी रखी गई,
60,000 वाली नॉर्मल सीट भी रखी गई जिसके अंदर से ऑल इंडिया कोटा की सीट निकलती है, और ना राजस्थान नहीं निकालती मैनेजमेंट सीट। लेकिन ये जो सीटें हैं ना, इन पे फिर से जो पहला हक होता है वो होता है राजस्थान के बच्चों का, और इसकी फीस पड़ती है 8 लाख रुपए साल की। तो जब नॉन राजस्थानी पढ़ता है, मतलब ये तो आपको दिखाता हूँ मैं, 8 लाख वाली, तो जैसे जो दूसरे हम जीएमसी देख रहे थे ना, ये देखो पेमेंट सीट, ये पड़ती है 8 लाख 26। तो जो राजस्थान के बच्चे होते हैं, राजस्थान डोमिसाइल के होते हैं, उनका इन पे पहला हक होता है। तो क्या नॉन राजस्थान को मिल सकती है सीट? और अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इनका हक होता है, समझ गए? तो ये है दूसरे टाइप का कॉलेज। अब आ गए, यहाँ तक ये चल रहा था, फिर अपना ESI आ गया। गीतांजलि अब एक स्पेशल कॉलेज है जिसके अंदर 10 सीटें हैं जिनमें गवर्नमेंट की फीस है, वो गीतांजलि और सरकार की कोई बात हुई होगी। इसके अलावा सेम गीतांजलि नीचे आ रहा है, और ये सारे कॉलेज देखिए, इसमें भी कुछ जनरल सीटें, मैनेजमेंट सीटें, NRI सीटें नहीं है। अब ये मैनेजमेंट सीट का मतलब क्या है, फिर से फीस फर्क पड़ जाती है। लास्ट ईयर का देखते हैं तो अमेरिकन की नॉर्मल फीस थी 15 लाख, और मैनेजमेंट की फीस थी 28 लाख। अनंता की नॉर्मल फीस थी 15 लाख, मैनेजमेंट की फीस थी 24 लाख। तो इनका इतना फर्क आ जाता है फीस का, और ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज में इतना फर्क होगा। निम्स जयपुर की मैं बात करूं तो देखिए, लास्ट ईयर था 19 लाख नॉर्मल, 22 लाख था मैनेजमेंट। अब इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। आपको ये कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट सीटें हैं ना, ये सबके लिए अवेलेबल है, जी नहीं। अब राजस्थान के मेन ब्रोशर में वापस आते हैं, ये तो लिस्ट हो गई, फीस मैंने आपको अभी लास्ट ईयर की दिखा दी। अब ये एप्लीकेशन फीस वगैरह आ रही है, सब जानते हैं, राउंड 1 राउंड 2। इस बार राजस्थान ने एक और बड़ा चेंज कर दिया है कि डिपॉजिट है वो बच्चों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले देना है, और वो भी 2 लाख रुपए का। ठीक है, नॉर्मल जो एप्लीकेशन फीस है वो तो वही 2,000 रुपये है और 1,200 रुपये है, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट फॉर्म भरना है, ये आते रहिए, जो हम कहते हैं ना एज लिमिट, इसमें ये सब है कि कौन कौन है जो सीट के लिए एलिजिबल है। और अब ये देखिए, हम सब इसलिए इस बाहर के हैं, एनआरआई जैसे मैंने कहा सब अवेलेबल, कैंडिडेट्स इन क्लॉज 11 विच आर ऑल नॉन राजस्थानी आर एलिजिबल टू अप्लाई टू पार्टिसिपेट बट विल बी कंसीडर अलॉटमेंट अगेंस्ट वेकेंट सीट, चाहे वो सरकारी हो, मैनेजमेंट हो, NRI हो, आफ्टर एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग आफ्टर राउंड 3। तो एक तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया, यही लाइन लास्ट ईयर राउंड 2 तक थी, इस साल राउंड 3 है। तो राउंड 1 भी राजस्थानी को मिलेगा, राउंड 2 भी, और राउंड 3 में ही नॉन राजस्थानी कंसिडर किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? और एक और गेम, तो देखिए राउंड 2 में भी था जो लास्ट ईयर, इस साल जो राउंड 3 हो गया, एक राजस्थानी के 160 नंबर हैं और एक दिल्ली वाले के, हरियाणा वाले के 500 नंबर हैं, तो भी पहले सीट राजस्थानी को दी जाएगी। तो लास्ट ईयर तक क्या था, राउंड 2 चल रहा है, पहले राजस्थानी का एक एक बच्चे को बुलाया जाएगा, क्योंकि वो ऑफलाइन हुआ था लास्ट ईयर, इस साल पता नहीं क्या होगा, क्योंकि चेंज करते रहते हैं लोग, बट अभी आगे देखते हैं। और राजस्थान के 150 नंबर वाले को पहले ऑप्शन दे जाएगी, तुझे क्या चाहिए, तो वो सारी वो स्टेट स्टेट फीस वाली सीटें तो खा ही जाएंगे। मैनेजमेंट फीसों पर भी पहला हक उनका है। अगर उस दिन जो ऑफलाइन राउंड हो रहा था, अगर एक भी राजस्थानी नहीं बचा, फिर वो नॉन राजस्थानी को बुलाते हैं, फिर सब बराबर है, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यूपी का, हरियाणा का, मेरिट से बुलाते हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर वाले सब बुलाया जाएगा, और उस समय जो जो सीट अवेलेबल होगी वो उसको दे दी जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट सीट वाली हो, वो जो सरकारी कॉलेज में थी 8 लाख वाली, चाहे वो 15 लाख वाली हो, चाहे वो 22 लाख वाली हो। पर कैसा हो सकता है कि राजस्थानी बच्चे वो 8 लाख की सीट छोड़ देंगे और 15 लाख वाली सीट छोड़ देंगे? इसलिए जब आपको फीस ट्रांसफर कराई जाती है फ्रॉड एजेंटों के द्वारा, एनएक्सेस के दौरान, तो हमेशा आपको मैनेजमेंट सीट फीस ट्रांसफर कराई जाती है, क्योंकि नॉर्मल फीस तो मिलने का चांस है ही नहीं। अब आगे आ जाओ, इस साल ये रूल बदल के राउंड 3 हो गए, दैट मीन्स 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, जब 3 राउंड आएगा, जब पहले सारे राजस्थानी खत्म हो जाएंगे, फिर कोई सीट मिली तो आपको दी जाएगी, वो भी मेरिट से उस दिन। तो फिलहाल जो ऑलरेडी जिनमें आप जैसे कुछ लोग फीस ट्रांसफर राजस्थान में कर चुके हैं, जाके उनसे बात कर लो कि भैया मेरे पैसे वापस कर दो, उसके भरोसे मत रहो, कहीं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। यही चीज मैं आपको पिछले 5 साल से, और जो मुझसे मिलने आते हैं उनको तसल्ली से बैठ के समझाता हूँ, जो मुझसे मिलते हैं फोन कॉल करते हैं, तो ये क्लियर हो गया। हर साल ऐसा ही होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ NRI आ गया। देखिए जैसे कि हम जानते ही हैं कि इसके अलावा ये भी, इसमें NRI स्पॉन्सर्ड भी चलता है, इवन सरकारी कॉलेजों में भी, जिसको सरकारी कॉलेज में जाने का शौक होता है वो यहाँ पर चला जाता है।
ये बाकी फिर नॉर्मल रिजर्वेशन है डिफरेंट टाइप की, राजस्थानी के बच्चे खुद ही देख लेंगे, हमारे मतलब का नहीं है। सीट मैट्रिक्स अभी आने वाला है, हमने कर लिया। फी डिटेल कंसर्न इंस्टीट्यूट में अभी आ जाएगा, उन्हें बोला एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ये सारे कागज चाहिए जिसको करना है, चॉइस फिलिंग उसके बाद जो नॉर्मल चलता है वो चलेगा। फिर से तो इस बार चेंज कर दिया कि राउंड थ्री जो होगा वो ऑफलाइन होगा, तो राउंड टू तक ऑनलाइन होगा, और राउंड थ्री उसमें आप पहुंच जाइए नॉन राजस्थानी जयपुर में, और जब सीटें खत्म होंगी तो आपको मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, ये पेजेस पढ़ लीजिए, बैंक गारंटी और बॉन्ड कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में लगता है, और ये देखिए ये हमें 2 लाख का इन्होंने बॉन्ड कर दिया, वो भी राउंड वन से पहले ही। हाँ, लेकिन फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रखा गया है, पर देखिए जब 2 लाख रुपये मांगे जाते हैं ना तो क्या थोड़ी सीरियसनेस आ जाती है। अब हिमाचल का हमने भरा सिर्फ 2 हज़ार मांगे, या हरियाणा में 2 हज़ार मांगे जाते हैं, या कर्नाटका में 2,500 मांगे, तो सभी लोग भर देते हैं। लेकिन अब यूपी में तो फ्री एग्जिट है ही नहीं, पर उत्तराखंड जिसे लास्ट ईयर 1 लाख कर दिया, अब राजस्थान ने भी दूसरा 2 लाख कर दिया। इससे क्या होता है, जो टाइम पास लोग होते हैं फॉर्म नहीं भरते और सीट खराब नहीं करते पहले राउंड में, क्योंकि 2 लाख रुपये देने में तो जान जाती है ना। ये अपग्रेडेशन के रूल है, मैं इसमें आपका समय नहीं खराब करूंगा, मतलब ये आप खुद पढ़ लीजिए। मेरा मकसद हमेशा रहता है आपको वो चीज़ बताना जो कि रियली काम की है, ठीक है? तो 3 चीज़ें हो गई, 2 लाख पहले देने हैं, राउंड थ्री है, और आपको क्लियर हो गया कि बाहर वाले को कुछ नहीं मिलता राजस्थान में, तो राजस्थान के भरोसे बैठ के जो लोग बैठ गए कि राजस्थान में मैंने फीस जमा करा दी तो मेरी सीट पक्की हो गई है, आप अभी भी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अभी भी ऑल इंडिया कोटा खुला हुआ है, मोस्टली स्टेट खुले हुए हैं, सिर्फ कर्नाटका केरला बंद हुआ है, या तमिलनाडु बंद हो गया था, काफ़ी ऑप्शंस अभी भी आपके पास हैं, उनको लीजिए। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो भी ओपन स्टेट्स हैं, ये सब अभी आएंगे, उनके हिसाब से अपना एक्शन लीजिए, उनके भरोसे मत बैठिए। आपका दिन शुभ हो। हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे साथ प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए। कॉल फर्स्ट कॉल का चार्ज रहता है 2,500 रुपये, मिलने आना हो तो 5,000 रुपये, और तब हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा पैकेज सूट करेगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।